मोदी सरनेम वाले मामले पर हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय लेकर आएंगे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने कहा कि अभी हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करेंगे। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को गुजरात के हाई कोर्ट ने जो निचले अदालत ने 2 साल की सजा दी थी उसको अपील को ना मान के राहुल जी की उनकी सजा बरकरार रखी है। हम न्याय पे विश्वास करते हैं, इसलिए बापू के चरणों में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा है, हम न्याय लेके आएंगे। भाजपा के कई नेताओं पे बड़े बड़े अपराध, भ्रष्टाचार की महा शिकायतों के केस चल रहे, उनके केस साथ साथ सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले पूज्य बापू के चरणों में आज हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो गुजरात हाईकोर्ट से फैसला भोपाल में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अजित पवार जिनको सजा हो गई, जिनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्तता पाई गई, पूरी भारतीय जनता पार्टी युवा नेता हमारे आदर्श राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। उनकी लोकप्रियता से घबरा करके ये उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है देश में कि न्यायपालिकाओं के निर्णय को भी प्रभावित करने का काम देश की